हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी का हेल्दी नाश्ता। ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी का नाश्ता। बड़े बाउल में एक कप सूजी डालेंगे, एक चौथाई कप बेसन, एक कप दही, इसी कप से एक कप पानी डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक कच्चा आलू ग्रेट किया हुआ डालेंगे, एक कप हरा धनिया पत्ता, एक हरी मिर्च कटी हुई, एक बड़ा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अनुसार, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच हींग, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक कप मेथी का पत्ता। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, इसी तरह का गाढ़ा बैटर होना चाहिए। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे तुरंत स्टीम करेंगे। नाश्ते को बनाने के लिए हम इडली वाले ट्रे का इस्तेमाल करेंगे। ट्रे को हम तेल से ग्रीस करेंगे। तेल से हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम बैटर रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि ये फूलेगा। सारे खानों में हमने बैटर को भर लिया है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। इडली को स्टीम करने के लिए हमने इडली वाले बर्तन में पानी को गर्म कर लिया है। 2 कप पानी है। अब इसमें हम ट्रे रखेंगे और ढककर 10 से 12 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। पूरे 10 मिनट हो गए हैं। इडली को हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इडली कितने अच्छे से स्टीम हो गई है। अब हम ट्रे को बाहर निकालेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। इडली पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसे ट्रे से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा इडली बना है। इडली का स्वाद बढ़ाने के लिए हम तड़का लगाएंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे, मिक्स करेंगे। राई चटकने लगी है। 2 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई डालेंगे, 8 से 10 करी पत्ता, 1 बड़ा चम्मच तिल, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम इडली डालेंगे। और 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। इडली को हमने चलाते हुए 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम हरा धनिया पत्ता डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम गर्मा गर्म परोसेंगे।
लीजिए दोस्तों, हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।